Welcome back. Now in this video, we'll see how to sort the data not based on values but based on colors. अगर आपके data को कोई background color है या फिर font color है तो भी आप उसको sort कर सकते हो बड़े आराम से. Let us see that. I have created a sheet named as sorting by color. अगर आप देखोगे data बहुत ही simple है. Department, employee का नाम, उसका date of joining and उसका salary. अगर आप देखोगे इसके अंदर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स है जिनका बैकग्राउंड हाईलाइटेड है, जैसे रेड कलर और येलो कलर, या फॉन्ट कलर ब्लू है या फिर रेड फॉन्ट कलर है. तो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपको उन लोग का नंबर्स या नाम ऊपर चाहिए जो हाईलाइटेड है बैकग्राउंड, कैसे किया जाए? सबसे पहले राइट क्लिक ऑन द सेल एनी वेयर. ओके, राइट क्लिक ऑन द सेल एनी वेयर. जैसे इफ आई राइट क्लिक ऑन दिस रेड कलर सॉर्ट बटन, एंड अगर मुझे सिर्फ रेड कलर वाला डेटा सबसे ऊपर चाहिए तो रेड कलर डेटा पे सिलेक्ट करिए, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन सॉर्ट बटन, एंड देन आई कैन सिलेक्ट द ऑप्शन एज पुट सिलेक्टेड सेल कलर ऑन टॉप. जैसे ही आप सिलेक्टेड सेल कलर मतलब रेड कलर ऑन टॉप सिलेक्ट करोगे तो सारे रेड कलर डेटा ऊपर आ जाएगा. ठीक है, सारा का सारा रेड ऊपर आ जाएगा. एक और ट्राई करते हैं. सपोज इफ आई वॉन्ट दिस डेटा, ओके, दिस पर्टिकुलर डेटा एट द बॉटम, जो कि पंडरी एंड प्रमोद, देखिए दो नाम है यहाँ पे. I can right click on that, click on sort option, and I can see there's a sort put selected color on the top. Okay, so जैसे मैं select करता हूँ तो ये भी ऊपर चला जाएगा और बाकी के नीचे आ जाएंगे. तो आप अपने colors का position define कर सकते हैं. ठीक है, एक और देखते हैं. इसको मैं select करके कुछ color देता हूँ, green color. Now अगर आपको color combination fixed है कि आपके पास तीन color है, एक color ऊपर, second, third, ऐसे अगर color combination fixed है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ एडवांस सॉर्टिंग. कैसे? कीप योर कर्सर इन द डेटा एनीवेयर, ग्रीन, रेड एंड येलो. अगर ये सीक्वेंस चाहिए आपको, देन यू कैन गो टू डेटा टैब एंड यू सी देयर इज एन ऑप्शन गिवन एज सॉर्ट. रिमेंबर ग्रीन, येलो एंड रेड. आई वॉन्ट टू सॉर्ट ऑल द एम्प्लॉय नेम बेस्ड ऑन नॉट सेल वैल्यूज बट दिस टाइम आई विल सिलेक्ट. पहले तो सेल वैल्यू सिलेक्ट किया था जो कि असेंडिंग डिसेंडिंग दे रहा था, बगर इस बार विल सिलेक्ट द ऑप्शन सेल कलर. सेल कलर माने बैकग्राउंड कलर. सो व्हेन यू सिलेक्ट द ऑप्शन सेल कलर, कौन सा कलर आपको सबसे ऊपर चाहिए? तो आई विल सिलेक्ट ग्रीन कलर. अगर ग्रीन कलर हो गया तो उसके बाद कौन सा कलर? सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन एड लेवल, फिर से एम्प्लॉय नेम, सेल कलर, ग्रीन के बाद आई वॉन्ट येलो कलर ऑन टॉप, एंड द लास्ट वन आई विल सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, उसका सेल कलर, और बाद में बचा है रेड कलर, दैट वन आई वॉन्ट ऑन द टॉप. So by based on the color also you can sort the data. Click on OK और देखिए जो जो sequence आपको चाहिए उस हिसाब से data sort हो चुका है. Same way आप font color के लिए भी sorting कर सकते हो. So select the data, sort option. अब मुझे और एक level चाहिए, add level. इस level का position मैं नीचे लेके आता हूँ, जैसे नीचे लेके आ गया, और मैं आपको example दिखाता हूँ इसमें. Right. अगर आप ग्रीन कलर में देखोगे, ग्रीन कलर में जो ऊपर है रेड कलर, फिर ब्लैक और ब्लू है. सपोज मुझे ये जो ब्लू कलर है ये ऊपर चाहिए. अगर इनमें टाई अप हो गया ग्रीन कलर में, उसके बाद क्या? उसके बाद ब्लू कलर शुड बी ऑन द टॉप, फॉन्ट कलर, फिर रेड कलर एंड फिर ब्लैक कलर. सो आई विल से कि उसी एम्प्लॉय नेम के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग. हाँ देखिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो है इट शुड बी फॉन्ट कलर. अब आ गया फॉन्ट कलर, दैट द ब्लू कलर शुड बी ऑन द टॉप, उसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया, और इसी को मैं कॉपी कर देता हूं. कॉपी करके नेक्स्ट वन शुड बी रेड कलर ऑन द टॉप. तो अगर ग्रीन कलर में टाइप हो गया, उसके बाद यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट कॉलम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग. जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो देखिए ग्रीन कलर का तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस केम टू ब्लू फॉन्ट कलर, देन द रेड एंड देन द ब्लैक ऑप्शन. ठीक है, तो यस यू कैन डू मल्टी लेवल सॉर्टिंग एंड मल्टी ऑप्शंस आल्सो. उसको कहते हैं सॉर्टिंग बाय कलर कॉम्बिनेशंस. ठीक है, I hope you have understood how to work on this particular topic. That's all for this video.